ठीक है, कल हमने करी थी शिफ्ट टू, आज करेंगे शिफ्ट वन। रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट। ठीक है, कल जो इससे पहले शिफ्ट हुई होगी, क्या पता 26 जुलाई शिफ्ट थ्री हो, या फिर जो भी हो, इससे जो इससे पहले वाले दिन हुई होगी उसको वो वाली सोल्व करेंगे। बस आप कमेंट में एक बार बता देना कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। हाय सर, ओ लोके, थैंक यू तुषार एंड लोकेंद्र, थैंक यू सो मच। नाउ वी कैन स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी फर्दर ड्यू। नाउ देखो, आज की जो सेशन है वो थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अच्छे भी थे पेपर में। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चंस को। आज मैं थोड़ा ऑफिस से लेट हो गया, तो मैं सोल्व नहीं कर पाया, मतलब अटेम्प्ट नहीं दे कर पाया। सोल्व मैंने सारे कर लिए, तो मैं अटेम्प्ट देते थे, तो आज नहीं दे पाया। चलो इसमें देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ टू नेचुरल नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 6272। ठीक है, वाइल द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज दिस, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर। अब देखो ये वाला, अगर मेरे किसी भी बच्चे ने क्लास ली है ना 3 4 दिन, तो वो ये वाला क्वेश्चन सेकेंडों में कर सकता है, क्योंकि उसको ये दिख जाएगा। देखो डिफरेंस क्या है, ये हमने सेम करा था ऐसा, बस ए प्लस बी में करा था। उधर क्या आता आपको, 9178 दिया होता, सॉरी 9728 दिया होता, याद है मैंने दिखाया था 17 28 किसकी क्यूब होती है, 12 की क्यूब। अगर आप ये देखोगे ना, 8000 में से कुछ माइनस हो रहा है, देखो कुछ में से कुछ माइनस हो रहा है क्यूब में से, ठीक है, आपको ये दिख जाएगा 1728 माइनस हो रहा है। ये तभी दिखेगा अगर आपको क्यूब याद है, और जहां तक मैंने बोली सिर्फ वहां तक याद है, 12 तक की, 15 तक की मैंने बोला है, 12 तक की अगर आपको याद है चलेगा। ठीक है, तो ये 1728 आपको दिख जाएगा, और ये 80000, सॉरी 8000 में से अगर आप 1728 करेंगे ना माइनस, क्योंकि क्यूब का डिफरेंस भी आपको पता है, डिफरेंस 8 है। अभी ये मैं पुटिंग कर रहा हूँ, पुटिंग इसको बोलते हैं, पुटिंग कि 20 माइनस 12 मुझे दिख रहा है, क्योंकि 20, क्योंकि मुझे 17 28 दिख गया, 8000 में से 17 28 मैंने माइनस करके देखा, क्योंकि दिख रहा है मुझे 28, 17 28 आप माइनस करोगे ना इसमें से, ये डायरेक्ट वाली बात है, टू ये आ जाएगा। तो अब मुझे पता चल गया कि ये 20 है, ये 12 है, तो 8000 और 17 28 आपका कितना हो जाएगा, 9728। ये मैं लोगों ने जो 1 मिनट 16 सेकंड में कराई है, मैं 16 सेकंड में कर सकता हूँ, अगर मेरे को क्यूब्स पे थोड़ी सी पकड़ है। अगर मुझे दिख गया कि यार दो क्यूब का डिफरेंस इतना है और उनका माइनस करेंगे तो ये, बाकी दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपके पास, क्या फॉर्मूला लगा के करो, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा करके जो भी होता है, वैसे ये होता है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माइनस भी होता है, ठीक है मुझे भी याद। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसको, मैंने सच्ची बता रहा हूँ, इसको मैंने सिर्फ 17 28 देखा कि यार 8000 में से 17 28 कम है, क्योंकि मेरे को ये दिख गया ये यार 8 का डिफरेंस। और परसों भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन करा था, अगर आपको समझ आ रही होगी, वरना दूसरा तरीका है कि आप फॉर्मूला लगा के ही करो, उससे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा बट हो जाएगा, बट मैं उससे कराता नहीं, सच्ची बताऊं कि पेपर में आपको क्या दिखना चाहिए, यार ये 17 28 कम है, और कभी वो तभी दिखेगा जब आपको 17 28 पता है क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ बोला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका है 6272, और इन दोनों का डिफरेंस है 8, ए माइनस बी का, और इनके क्यूब का डिफरेंस है ये, तो आपसे पूछा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब बता दो। अब मुझे ये दिख गया भाई, देखो 72 यानी मुझे 28 दिखा था, क्योंकि 100 में से 72 जाता है 28, तो 17 28 मुझे डायरेक्ट दिख गया, और मैंने चेक भी करा कि यार देखो हाँ कल ही परसों ही क्वेश्चन करा है, और ये तभी है मैंने प्रैक्टिस कर रही हुई है, तो ही मुझे दिख रहा है कि 12 20 में से 12 गया 8 आएगा, और 20 का होता है 8000, इसका होता है 17 28, दोनों को माइनस करूंगा फिट हो गया। ये तभी होगा जब नंबर्स पे पकड़ है, वरना बेसिक से सब कर लेंगे फॉर्मूला लगा के, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला देखो ये होता है, इसको बेसिक से ऐसे करोगे, बट ये बहुत लंबा हो जाएगा, इससे मत ही करना कभी भी, मैं तो नहीं करूंगा बेसिक से, वरना फॉर्मूला लगाओगे ना वो हो जाएगा, मुझे फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा सही से। चलो अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 81%,
तो प्राइस जो था पेट्रोल का लेट से पहले 100 था, अभी वो 81% इंक्रीज हो गया, यानी 181 रुपये अभी हो गया। वट शुड बी दर्सेंट बाई ओके क्या बोले इसने, बाई वट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल डिक्रीज। देखो प्राइस क्या होता है उसका, उसका मूल्य यानी कि उसका प्राइस कितना है, ठीक है। कंजम्पशन होता है हमने कितनी खरीदा या कितना खा लिया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब सोचो एक टॉफी 4 रुपए की है और आपने 4 टॉफी खाई, तो यानी टोटल कितना कंज्यूम करा आपने, 16, ठीक है। और खर्चा कितना हो गया आपका, 16, सॉरी। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज योर एक्सपेंडिचर। कि एक मैंगो था वो, ठीक है, वो 2 रुपए का था और आपने 4 मैंगो खा लिए, तो 8 रुपए हो गए ना, 8 रुपए का खर्चा कर दिया। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसने क्या बोला है, बाई वट परसेंट शुड द कंजम्पशन डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, यानी कि प्राइस 81% बढ़ गया, हम ऐसा मतलब कितने से कंजम्पशन को डिक्रीज करते ताकि ये जो एक्सपेंडिचर है इस पे कुछ फर्क ना पड़े, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता। अब देखो प्राइस इनटू कंजम्पशन है आपका एक्सपेंडिचर, हमें ये दोनों पता है, प्राइस भी पता है, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो पता है। तो कंजम्पशन क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो अगर मैं ये कर दूं एक्सपेंडिचर, जैसे ये ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, ए के लिए कंजम्पशन क्या होगा, एक्सपेंडिचर कितना है, 1 डिवाइड बाय प्राइस। बी के लिए क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 181। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 181:100। समझ आ गई। अब ये क्यों हुआ, लॉजिकल भी आप देखोगे, एक सेकेंड, अगर आप लॉजिकल भी अगर देखते हो, अभी हो गया 181:100, क्यों, क्योंकि आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना सेम हो जाएगा, क्यों, और क्योंकि आपको बोला है कि ये सेम होना चाहिए एक्सपेंडिचर। बात आई समझ में, वरना फॉर्मूले से कर लो, वरना हमेशा देख लेना, अगर आपको ये इक्वल करना है ना तो इनको अपोजिट कर देना। अब देखो आपका कंजम्पशन था 181 और वो आपने 100 कर दिया, यानी कितने से डिक्रीज करा, 81 रुपीज से या 81 यूनिट से डिक्रीज कर दिया। तो आपको बताने कितने परसेंट आपने डिक्रीज करा है, बस इसको सोल्व करना है अपने। 181 को आप 180 मान लो इसको, और इसको 81 को 80 मान लो, चलो ठीक है, अप्रोक्सीमेट ले जाते हैं। चलो अब करो इसको, करो 18 4 जा 72, 18 4 जा 7200, कितना बच गया, सही तो कर रहा हूँ है ना, कितना बच गया, 800। फिर 18 4 जा 72, तो यानी 44 के करीब आपका आंसर होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी में। दोबारा से मैं थोड़ा सा एक बार समझाता हूँ, प्राइस इनटू कंजम्पशन आपका होता है खर्चा, कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। उसने क्या बोला है, किसी चीज की प्राइस 100 थी, अब वो 81% बढ़ गई, ठीक है प्राइस बढ़ गया। अभी कंजम्पशन आपको नहीं पता, उसने बोला एक्सपेंडिचर आपका सेम होना चाहिए, ये सेम तभी तो होगा अगर आप इनको फॉर्मूले से भी जाओ। कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, सो बी का क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या आ जाएगा, 181:100। और ये 181:100 क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो सेम आएगा, क्योंकि दोनों जगह 100 और 181 ही तो है। समझ आ गई ना बात। बस अब आपको ये बताना है कितने का डिक्रीज हुआ है, देखो 81 रुपीज का डिक्रीज हुआ है, क्योंकि पहले 181 था अभी 100 है, तो 81 रुपीज का डिक्रीज हुआ है किसके रिस्पेक्टिव में, 181 के रिस्पेक्टिव में। बस अब आप 100 इसको 181 लेके ना सोल्व करना, तो 80 लेके सोल्व कर दो, तो आपको बेटर और जल्दी मिल जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप समझ आ गए हो, इसलिए मैंने रिपीट भी कर दिया, और 78% लोगों ने करा है, तो मीन्स इजी क्वेश्चन था। अभी देखो कल भी मैंने बोला था ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले पे होते हैं। अभी देखो ये क्या है, 2x 3y = 16, xy = 9। देखो सबसे पहले क्या ट्राई कर रहा करो, मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ, देखो एक्स वाई अगर 9 है, तो एक्स को अगर मैं 1 रख दू और वाई को 9 रख दू, तो क्या सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, 9 3 27, और नहीं नहीं हो रही, मतलब यहाँ नहीं हो रही है। या मैं 3 3 रख दू इसको, तो भी तो 9 होता है, तो मैं करके देखूंगा, 3 अगर रखूंगा तो 9 और 3 रखूंगा तो 6, 9 6 15, बट यहाँ तो 16 है, यानी कि सेटिस्फाई नहीं हो रही, मान लिया सेटिस्फाई नहीं हो रही, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेटिस्फाई हो जाएंगे, और एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट करना और आंसर मिल जाएगा,
आई बात समझ में? बट यहाँ नहीं हो रही है, तो इसको फॉर्मूले से करोगे, ये क्या है 8x, यहाँ 2x दिया है, तो ये क्या है क्यूब में, 2x क्यूब है प्लस ये क्या है, ये 3xy क्यूब है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, देखो ये जो साइन है ना ये बस यहाँ रिपीट होता है, उसके बाद ये पूरा प्लस होने हो जाता है, जितना मुझे सही लग रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो बता देना, माइनस वाले में मेरे को श्योर नहीं हो रहा, एक बार फिर भी चेक कर लेना इसको। ठीक है, मेरे को ये वाला तो कंफर्म है, ये वाला चेक कर लेना मेरे हिसाब से, फिर मिटा देता हूँ मैं कंफर्म नहीं तो, पर मेरे हिसाब से वही होता है। चलो अभी ये हो गया, अब हमें एक्स वाई दी हुई है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए इंटू माइनस ए इंटू बी, यानी 6xy। अब देखो आपको ये निकाल नहीं है, ये तो आपका के हो गया, ये जो ये तो यही है ना, ये तो निकाल नहीं है, 2x+3y आपको 16 दिया हुआ है, अंदर क्या है 4x² + 9y² इसकी वैल्यू नहीं पता, और 6xy आपको पता है कितना है, 9। अब ठीक है, सब सब ठीक है। अब देखो मैं दो तरीके से मैं यहाँ जा सकता था, अब देखो यहां तक मैंने करा है, फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, अब इसके बाद भी मेरे पास दो ऑप्शन है, यहाँ लोगों ने 1 मिनट 20 सेकंड लिया, यानी 80 सेकंड लिए, आप हो सकता है इसको 40 में कर पाओ, क्यों, देखो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, 16 से, यानी जो ऑप्शन होगा आपका वो 16 का मल्टीपल होगा या फिर 8 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल कैसे पता चलता है, आप देख लो भाग करके देख लो यार, 8 का मल्टीपल एक बार इसको डिवाइड करो 8 से, देखो 8 दूनी 16 कितने बचे 5, है ना, 589, 54 56 और 39, नहीं हो रहा, ये तो नहीं होगा, वैसे भी लास्ट में और डिजिट हो गई नहीं, इसको एक बार ट्राई करना, 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16 कितना बचा 38, 8 के टेबल में 38 आता है, ये भी नहीं होगा, इसको भी एक बार कर लो 29 को, 8 तिया 24, 24 कितना बचा 58, 58 8 के टेबल में आता है, नहीं आता है, ऑप्शन कौन सा हो गया ये, इसको भी एक बार 8 से भागा दे लो 1504 को, क्या दिक्कत है, 8 एकम 8 कितना बचा 70, 8 अट्ठे 64, 64 64 गया पूरा, देखो मैंने सिर्फ यहां आते एक पूरा सोल्व कर दिया, अब आप आंसर डायरेक्ट मार्क कर सकते हो, ये तभी होगा जब आपको थोड़ा सा नंबर और थोड़ा सा पता है कि यार 16 का मल्टीपल होता है ये तो, या फिर 8 का मल्टीपल होता है ये तो, सिंपल देखो तो, है ना। अब अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक से पूरा सोल्व ही करना है तो आप कर सकते हो, देखो आपको ये सब मिल गया है ना, आपको सब मिल गया है, बस ये 4x² और इसकी वैल्यू नहीं पता, तो इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि आपको स्क्वायर चाहिए ना, ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac ट्वाइस ए इंटू बी क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ए ये है, मैं लिख देता हूँ ए इंटू बी इजिक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 256, है ना, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ पुट करना है, और ये क्या है प्लस 2 2 दूनी सॉरी 3 दूनी 6 दूनी 12 xy, और xy की वैल्यू भी आपको पता है 9, तो यहाँ 256 - 12 निम्न 108, ये आपको करना है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी xy की, ओ सॉरी इसकी इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देना और निकल जाएगा, बट ये कैलकुलेटिव हो गया, देखो यहाँ आपने कुछ टाइम बचाया नहीं, बट आप बचा सकते थे कि अगर यहाँ आप देख लेते कि ये 16 का मल्टीपल है, एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं, और मुझे लग रहा है कि वीडियो बंद हो गई, एक सेकेंड ये भी देख लेते हैं,
आगे भाई मैं, ये फिर बंद हो रहा है। हाँ अभी तो मैं दिख रहा हूँ आई होप। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कमेंट देखा नहीं। इस कॉन्सेप्ट में बहुत कंफ्यूजन है भैया। 44.75, 44.75, 44.75 क्या है? ठीक है, अब ये समझ आया नहीं आया, मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ इसको। वीडियो चल रहा है बट फेस नहीं दिख रहा। हाँ वो कैमरा फोन आ गया था किसी का, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं इसको दोबारा एक बार आपको करा देता हूँ। देखो आपको ए प्लस बी दिया हुआ है 16, ठीक है, आपको एक्स वाई दिया हुआ है 9, ठीक है, आपको ये निकालना। देखो ये इसका क्यूब है, आपको बेसिकली 2x का क्यूब निकालना है प्लस 3y का क्यूब निकालना है। यानी आपको निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है यहाँ ना माइनस होता है, माइनस ए भी। लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में प्लस ए भी लिख देते हैं, बट आपको नहीं लिखना है। वेयर ए आपका क्या है, यहाँ 2x है और बी है आपका यहाँ पर 3y। चलो अपना पुट कर देते हैं इसको, ठीक है। ए क्यूब यानी कि ये जो आपसे पूछा है आपका क्वेश्चन यही तो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आ जाते हैं फॉर्मूले पे। ए प्लस बी, ए क्या है आपका 2x, बी क्या है आपका 3y, ठीक है। फिर आ जाते हैं ए स्क्वायर, यानी ए क्या है आपका 2x इसका स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर, माइनस ए इन टू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 × 6 एक्स और वाई, ये भी ठीक है। अब देखो हमें ये तो निकालना है, इसको के लिख लेते हैं। चलो बार बार क्यों इतना बड़ा लिखे, इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है 16 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² मुझे नहीं पता है क्या है, 9y² भी मुझे नहीं पता है, बट 6 × x, एक्स वाई मुझे मुझे पता है 9 है, एक्स वाई की वैल्यू 9 है, तो 9 × 6 आपका हो जाएगा 54, ये मुझे पता है। अब देखो मैंने यहां तक करने के बाद मैंने देखा यार 16 आ रहा है, मैं एक बार चेक तो कर लो 16 का मल्टीपल कितने हैं। 16 भी छोड़ो आप, 16 क्या होता है, 2 × 8 ना, आप 8 का मल्टीपल देखो। अब जैसे आप क्रॉस चेक करोगे सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको 8 का मल्टीपल का, ठीक है। आप उसको मार्क कर देना, आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। अगर बाय द वे नहीं हुआ, नहीं बचे, समझ लो आपके दिमाग में नहीं आया, तो फिर तो सोल्व करोगे, और सोल्व कैसे करोगे, फिर आपको देखो ये वैल्यू चाहिए स्क्वायर की, चाहिए आपके पास ए प्लस बी है। अब आपको ये ए प्लस बी है ना, तो आपके पास ए प्लस बी है और ए प्लस बी का आपको स्क्वायर चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, है ना, ठीक है। आपको ये तो चाहिए, अब इसको देखो आपको इसका स्क्वायर कर रहे हो आप, ए प्लस बी, ये 16 के इक्वल है, 16 का स्क्वायर 256, ए स्क्वायर, ए क्या आपका ये 4x², बी क्या आपका 9y², क्योंकि बी ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो 9y² हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ए इंटू बी 6xy, 6 × 12xy। अब देखो एक्स वाई आपको पता है 9 है, ये आपको निकालना ही है क्योंकि ये तो आपको यहाँ पुट करना था। अब 256 माइनस 12 निम्बे 108, ये माइनस करके आपको बस ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, फिर सोल्व करना है, हो जाएगा। बट मैं चाहता था कि आपको मैं सिखाना सिर्फ ये था कि 16 का मल्टीपल अगर आप डायरेक्ट देख लेते तो आपका ये 80 सेकंड की जगह 40 सेकंड में निपट जाता बस, ठीक है, बस ये समझाना था मुझे, बाकी तो आप समझदार हो, फॉर्मूला बेस्ड है ना। अब ये टाइप मैंने, ये क्वेश्चन मैंने कल परसों की क्लास में आइडेंटिटी बताई थी, किस किस को याद है, मैंने याद है, मैंने सच्ची सच्ची में बताई थी सर्कल की ऐसी वाली, कि अगर कोई दो कोण है ए बी सी डी, मान लो ए बी सी डी ये एक्स, तो दिस इंटू दिस इक्वल होता है दिस इंटू दिस के, याद है मैंने बताई थी, सच्ची बताना अपने दिल पे हाथ रख, बताई थी नहीं बताई थी, अगर आपको ये याद हुई ना तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लो। आप इतने करो कमेंट में आंसर दो, मैं इतने एक दो प्रॉपर्टीज और समझा देता हूँ, क्योंकि मेरा काम है क्लास में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है। तो सर्कल की और प्रॉपर्टी क्या होती है, कि अगर कोई सर्कल या कोई कोण, उसके किसी सर्कल पे कोई एंगल बना रही है थीटा, तो सेंटर पे 2 थीटा बनाती है,
ये हो गई इसकी एक सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ, कोई एक सर्कल है, किसी एक बाहर पॉइंट से एक सीकेंट आ रही है, ऐसे सीकेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, एक और आ रही है, तो समझ लो ये है पी, ये है ए, ये है बी, ये है सी और डी। तो पी ए इंटू टोटल पूरी वाली पी बी इक्वल होगी पी सी इंटू पूरी वाली लाइन की पी डी के। ये जो प्रॉपर्टीज है ना, हजारों बार, मतलब हजारों तो नहीं, मतलब बहुत ही ज्यादा बार आई हुई है। सेम विधि है, सेम विधि है, सेम विधि है। एक और बता देता हूँ मैं चौथी, इतने आप क्वेश्चन ट्राई कर लो जल्दी से, मुझे आंसर चाहिए इसका, मैंने बता दी कंसेप्ट, ठीक है। एक और होता है कि आपका कोई एक सर्कल है, मेरे सर्कल पे ध्यान मत देना बस, ठीक है, ये कोई टेंजेंट है उससे, ठीक है, और एक कोई सीकेंट है, समझ लो पी टी है, पी ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखो ये टेंजेंट है, तो पी ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल होता है पी बी इंटू पूरी लाइन के पी सी के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट का स्क्वायर, टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर, यानी पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी इंटू टोटल, हमेशा आधी लाइन फिर पूरी लाइन, आधी लाइन इंटू पूरी लाइन इक्वल होती है आधी लाइन इंटू पूरी लाइन, आधी लाइन इंटू पूरी लाइन, ऐसे याद रखो बोल बोल के। टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू आधी लाइन इंटू पूरी लाइन, ठीक है, बोल बोल के, जितना बोलोगे तो समझ आएगा। ये चार प्रॉपर्टीज हैं, आई थिंक ये बहुत काम में आएंगी, और कुछ तो मिस नहीं कर रहा। एक और बेसिक सी प्रॉपर्टीज कि कोई भी सर्कल है, अगर उसका कहीं डायमीटर मेंशन करा है, नहीं कि डायमीटर है, कहीं बोल दिया किसी सर्कल में, एंगल वाले क्वेश्चन में खासकर जहाँ एंगल आपको निकालने होते हैं कि ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये ऐसे करके, तो उसने अगर बोला कि ए बी या कोई भी एक लाइन जो है वो डायमीटर है, उसका मतलब बेसिकली सिर्फ ये होगा कि डायमीटर से अगर हम कोई भी एंगल बनाते हैं ना, वो 90 डिग्री होता है। कल इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था, इस डायमीटर से कहीं भी एंगल बना लो वो हमेशा 90 डिग्री हो, कहीं भी बना लो, ठीक है। देखो तो एक ही क्वेश्चन में मैंने चार पांच प्रॉपर्टीज आपको बता दिया, मैं कमेंट देखता हूँ किस किस ने क्या कहा है। 18 18 18 18 याद है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, याद होना भी चाहिए, है ना। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो इन द फॉलोइंग सर्कल, देखो ये कुछ है, ए बी कोई कोण है, सी डी कोई कोण है, ए बी की लेंथ है 18, पी बी मैं इसको बड़ा बना देता हूँ, है ना, तब आपको बेटर समझ आएगा, बट वो पूरा गोल नहीं होगा, तो कुछ एप्पल बन गया, फिर भी ठीक है, मेरी फिगर्स में मत जाना, मेरी नहीं, मतलब जो मैं बना रहा हूँ वो, ठीक है, ए बी सी डी, और ये है आपका पी, ये है कोई सेंटर है अपना, कोई क्या अपना सर्कल का सेंटर, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ए बी 18 है, ये पूरी लेंथ 18 है, ठीक है, पी बी ये 6 है, अगर ये 6 है और ये पूरी 18 तो ये 12 हो जाएगी, ठीक है भाई। पी सी कितना है, 4, तो हमें निकालना क्या, ये मैंने क्या बोला था, ये लेंथ इंटू ये लेंथ 12 इंटू 6 इक्वल हो जाएगी ये लेंथ इंटू आगे वाली लेंथ, समझ गए। अब ना पेपर में आप जब क्वेश्चन पढ़ लो ना, तो ज्यादा अगर देखो फिगर दी हुई है तो आप ये डायरेक्ट यहाँ समझ लेना, ये चाह रहे हो, वरना इतना टाइम वेस्ट मत करना कि पूरा सर्कल गोल बना रहे हो, ऐसा कर रहे हो, जल्दी जल्दी थोड़ा करो, ठीक है। दिया और 6 दिया आपका 18 विल बी योर आंसर। देखो मैं देख लेता हूँ कमेंट में, आई थिंक बहुत बच्चों ने दिया भी है आंसर से 18 18 18 18, बहुत बढ़िया भाई, समझ आ रही है। देखो क्वेश्चन होने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हवा आता है, बस आप बेसिक पे ध्यान दो कि बेसिक है, और थोड़ा सा उसमें से हम चीजें बताते रहेंगे, कहाँ आपको जल्दी करनी है, कहाँ आपको लेट करना है। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, आप इसको ट्राई करो, सेम हमने अभी करा है इसका, ये होमवर्क दे दूं क्या, होमवर्क दे दूं क्या, ये वाला अब बताओ आपको क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या होता है,
एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अभी सेम करा है हमने, ये आपको निकालना है। एक्स प्लस वाई कितना है 25, ठीक है। अब आप 25 का मल्टीपल देखो, देखो ये तो नहीं होंगे क्योंकि लास्ट में 5 या 0 आएगा, ठीक है, दो ऑप्शन हट गए। अब देखो यहाँ कलाकारी करती है उसने कि दो ऑप्शन 5 वाले दिए, समझ गए मैं क्या बोल रहा था। अगर आप समझ लो आपके पास 5 सेकंड है, आप तुक्का कैसे मारोगे, इन दोनों में से तो कौन मारोगे, ये थोड़ी कि 2 वाले को मार दो, नहीं, क्योंकि भाई 25 का मल्टीपल है, 25 यानी यूनिट डिजिट इसकी 5 है, 5 का हमेशा यूनिट डिजिट या तो 5 का टेबल घालो या तो 5 आता है जी लास्ट में या 0 आता है। मैं बस आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपको आंसर अगर कहीं भी वर्स्ट केस में भी आंसर मारना है तो इन दोनों में ही मारना, ठीक है, बाकी भगवान भरोसे। अब तो अगर 5 सेकंड की बात है तो, क्योंकि 50-50 चांस हो गया, पहले 1/4 चांस था, 25% चांस था, अभी डबल हो गया, 50-50 है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको निकालना है, माइनस एक्स वाई आपको पता है 20 है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको निकालना है, देखो ये दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दो भाई, ठीक है, क्या होता है 625, वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, यहाँ ट्वाइस ए बी है, ट्वाइस एक्स वाई, तो यहाँ 625 माइनस ट्वाइस एक्स वाई, इधर हो जाएगा एक्स वाई कितना है 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, इसमें से माइनस करना तो कितना हो जाएगा भाई 585, ये है 585। बस अब आपको 25 इंटू इसमें 565 करना है। अब आपको पता है मैंने ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करता, 25 को अगर किसी से भी आपको मल्टीप्लाई करना है, मैं 100/4 लिख लेता हूँ 25 को, क्यों, क्योंकि यार मेरे को 4 से भागा देने इजी होता है। अगर मैं इसको देखो, आप इससे करो एक बार, 565 को 25 से मल्टीप्लाई करो, कर दोगे क्योंकि टफ नहीं है बट टाइम लगेगा। सेम इसको आप ऐसा करो, 25 क्या होता है 100/4 होता है ना, अब इसको आप ऐसे करो, इससे डिवाइड करके देखो, देखो 4 एकम 4 कितना बच गया 16 चौके, ठीक है, अब चौके आते मेरा आंसर आ गया पहली बात तो, फिर भी अगर आपको पूरा करना है करो, 16 पे गया, आगे क्या बचा 5, 4 एकम 4, ठीक है, अभी कितना बचा 1, क्योंकि ये देखना है 0 0 है आगे, ठीक है, तो 2 5 ऐसे। तो आपके पास अगर कभी 25 दिखे तो उसको 100/4 कर देना, मल्टीप्लाई करने के बजाय आप इसको डिवाइड करोगे ना 4 से जल्दी निकलता है, क्योंकि ये 100 है, 100 को तो मल्टीप्लाई करना 0 0 होता है, समझ आ गई बात, आई होप समझ आई होगी और जल्दी भी हो गई होगी। मजा आ रहा है तो भाई कमेंट में बता देना और एक एक लाइक कर देना, ऐसे में बोलता तो नहीं हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि छोटा दिख सकता है, क्योंकि ना ये बड़ा कुछ लंबा क्वेश्चन है बोलने के लिए ऐसा। देखो सोहन एंड अमित स्टार्टेड अ कार रेस, ठीक है, कोई उन्होंने कार रेस स्टार्ट करी फ्रॉम अ सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सेम डायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, कोई सर्कुलर ट्रैक है कितने मीटर का 1125, यानी डिस्टेंस आपको दी है 1125 मीटर, उनकी स्पीड क्या है 36 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, ठीक है भाई, आफ्टर हाउ मच टाइम इन सेकेंड, यानी आपको टाइम बताना है, पूछ बताना है और सेकेंड्स में बताना है, ठीक है, दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। बस हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम कर देते हैं स्क्रीन बड़ी, ठीक है, अब आ जाते हैं, ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब उसने क्या बोल, देखो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको निकालना क्या है टाइम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है भाई बात ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है, हाँ भाई पता है 1125, स्पीड आपको पता है, हाँ हमें पता है, पर दो की पता है। अब देखो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, प्लस या माइनस, जल्दी बताओ, सेम डायरेक्शन में स्पीड होती है माइनस, अपोजिट में होती है प्लस, क्योंकि अपोजिट में बहुत जल्दी निकलते हैं, मैंने हमेशा बोला अपोजिट में प्लस सेम में माइनस, तो ओवर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इनकी 54 माइनस 36, और ये बड़ा छोटा होता है तो स्पीड नेगेटिव नहीं होती, कभी ये सोचो 36 माइनस 54 माइनस कर दिया, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, तो ये आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, पर बाकी चीजें तो मीटर और सेकंड में है। अब किलोमीटर से मीटर चेंज कैसे करते हैं, बड़े से छोटा चेंज करते थे, तो याद है किससे करते थे, बड़े से हम छोटा करते थे छोटे का मल्टीप्लाई, देखो अगर आपको कन्वर्जन करना होता है तो 18/5 या 5/18 का कन्वर्जन होता, अभी डिपेंड करता है छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, अगर आप किलोमीटर से मीटर में आ रहे हो, बड़े से छोटे में आ रहे हो, तो छोटे का मल्टीप्लाई 5/18, और उल्टा जा रहे हो तो 18/5 का, मैंने रटवा भी रखी है ट्रिक, ठीक है, तो मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा, बहुत टाइम हो गया इनको बताते बताते,
ठीक है, आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो स्पीड कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो डिस्टेंस कितना था, स्पीड कितनी है 5, ये आ जाएगा आपका टाइम। काट दो भाई, 2 पे 10 गई, 1 बच गया, 12 दूनी 25, 1 225 विल बी योर आंसर। दैट इज इन ऑप्शन नंबर 4। समझ आया नहीं आया? जल्दी बताओ यार, ये क्वेश्चन ना हम बहुत कर चुके हैं ऐसा वाला, 225 225। बहुत बढ़िया भाई, विशाल विशाल किरण एस्पिरेंट भाई, बहुत बढ़िया। मतलब इसमें आप समझ पा रहे हो, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई चुनिंदा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं जो आए हुए हैं, पूरा 25 क्वेश्चन का सेट। मैं ऐसा नहीं कि टफ करा रहा हूँ या इजी करा रहा हूँ, मैं वो करा रहा हूँ जो आए हुए। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, आधे लोगों ने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा मुझे नहीं पता। अब देखो कोई एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि 525 से डिविजिबल हो, 526 से। अब देखो हमें कोई 10,000 के करीब कोई नंबर होगा जो कि इससे डिविजिबल होगा। अब देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसके पीछे मैंने 526 के पीछे 0 लगा दिया, ठीक है, कितना हो गया 5260। ये तो कटेगा 526 से ना, 526 से कटेगा, तो मैंने 0 लगा दिया। अब इसको मैंने एक और बार जोड़ दिया 526 को, क्या अभी 10,000 के करीब हो जाएगा। 0 2 1 हासिल 5 10, 10,520 है ना। अब ये देखो एक ही ऑप्शन है लो, ये तो सीधा सीधा ही हो गया, इतना छोटा था मुझे लगा। समझ गए ना क्या करना है? इसने क्या बोला कि भाई 526 से कोई नंबर डिविजिबल हो और वो 5 डिजिट का होना चाहिए, यानी कि देखो 4 डिजिट होती है ना, 9999, तो यार 10,000 से थोड़ा सा बड़ा होगा वो। 10,000 हो गया, ज्यादा हो गया, हाँ 10,000 से थोड़ा सा बड़ा होगा। 4 ऑप्शन है, ठीक है, एक ऑप्शन है कि आप इससे डिवाइड करो सबको, बट वो वर्थलेस है। अब मैंने क्या करा, इसके आगे 0 लगा दिया क्योंकि वो तो डिविजिबल होगा 526 से, क्योंकि 10 पे जाएगा, तो इसको एक और बार जोड़ दिया मैंने, क्योंकि 10,000 के करीब पहुंच गया था, ठीक है। अब मैंने देख ही देखा एक ही ऑप्शन है, उसके आगे पीछे कोई है भी नहीं, तो सीधा सीधा आंसर खत्म हो गया, ठीक है। पेपर में ऐसे करना, ठीक है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ये भी थोड़ा अच्छा सा है। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, थोड़ा सा देखो। इसने क्या बोला है, टू मोटरिस्ट स्टार्ट टुगेदर टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। उन्होंने कोई दो बाइक वाले, उन्होंने कोई एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, एक की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, एक की है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई देम, कि अगर इफ द मोटर इज ट्रेवलिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर, उसको आधा घंटा ज्यादा लगता है, ठीक है। क्वेश्चन पर दोबारा पढ़ लो, एक की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, एक की है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई देम इफ द मोटर इज ट्रेवल एट 4 किलोमीटर पर आवर अराइव्स आधा घंटा बाद में देन द अदर, ठीक है। मतलब कि कुल मिला के इजी क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि देखो एक की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, एक की है 6 किलोमीटर पर आवर। अब उसने क्या बोला कि ये कोई डिस्टेंस कितना चले हैं, ताकि ये जो 6 किलोमीटर वाला है वो तेज भाग रहे हैं तो जल्दी पहुंचेगा, तो उसको कितना टाइम ज्यादा लगे। कि अगर ए समझ लो, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। अब देखो सिंपल सी बात है, जितना भी ट्रेवल करे बी जल्दी पहुंच जाएगा, तो उसने बोला बी एक जगह पहुंच गया, अब उसको ए को आधा घंटा ज्यादा लगा, ठीक है, आधा घंटा ज्यादा लगे। अब सबसे बढ़िया है आप इसको ऑप्शन लेके कर लो, ठीक है, कोई भी ऑप्शन लो। देखो ये इसकी 6 की स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर, तो सबसे पहले 6 ले लेता हूँ, कि उसने आपको 6 किलोमीटर चला होगा वो। अब देखो 6 किलोमीटर चला है, यानी 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो यानी उसको 6 किलोमीटर चला कितने घंटे में, 1 घंटे में, क्योंकि उसकी 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो उसने 6 किलोमीटर करा 1 घंटे में। अब आएगा ये तो बी पहुंच गया, अब आएगा ए, ए 1 घंटे में कितना चलता है, 4 किलोमीटर, 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर चला, ठीक है। 1 घंटे में अगर 4 किलोमीटर चल रहा है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा, 2 किलोमीटर। समझ आ रहा है क्यों 2 किलोमीटर, क्योंकि आधा घंटा, और वो ही तो उसने बोला है कि वो आधा घंटा लेट पहुंचता है, आई बात समझ में। तो डायरेक्ट ऑप्शन से आप कर सकते थे इसको 6 लेके,
या फिर आप दूसरा कोई एग्जांपल लो, समझ लो ये चार लेते, चार ना बने ही नहीं, देखो ये समझ लो 4 किलोमीटर चला है, तो वो ये तो कैलकुलेटिव सा हो जाएगा बिल्कुल। तो छः छः सीधा सीधा दिख रहा है आपको, मतलब मैं अगर दिखाऊंगा तो मैं दोबारा दिखाता हूँ कि वो 4 की स्पीड से चल रहा है, 6 की स्पीड से चल रहा है, एक है और बी है ना। उसने क्या बोला है, कोई उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करा जिसमें कि बी जो है वो ए से आधा घंटा पहले पहुंच गया, यानी कि अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इनका रेशियो इनवर्स होता है, तो टाइम का रेशियो 2:3 होगा, ठीक है। अब उसने बोला है, उसने क्या बोला कि आधा घंटा पहले पहुंच गया, यहाँ इनका डिफरेंस है 1, उसने वहां बोला है 1/2, ठीक है। तो यानी कि अगर ये 6 किलोमीटर, अगर ये 1 घंटे में 6 किलोमीटर चला है तो उसको 1 घंटा लगा होगा। अगर वो सेम ए बंदा जाएगा, क्योंकि ये भी क्या ए बंदा जाएगा, तो वो पहले 4 किलोमीटर चल लेगा 1 घंटे में, ये 4 किलोमीटर चल लिया 1 घंटे में। अब ये जो बचा हुआ 2 किलोमीटर है वो उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, तो यानी 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगा, तो 2 किलोमीटर जाएगा आधे घंटे में, यानी आधा घंटा विल बी योर 6 विल बी योर आंसर। मैं दिख रहा हूँ क्या 6 है सर, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, सॉरी यार, ये फोन का कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझको, ठीक है। आई होप मैं दिख रहा हूँ, प्लस आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अच्छे क्वेश्चन मैंने पहले बोला था, आज थोड़ा थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, ये फालतू तो आपका टाइम ना वेस्ट हो। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, जल्दी जल्दी से थोड़ा सा उठा दूंगा इसको मैं। देखो A+B 90 डिग्री है, ठीक है भाई। अब देखो अगर आप मेरे से 3-4 दिन पढ़ेगा, आपको ये 3-5 दिख के, 3-4-5 नहीं दिखा ना, तो भाई डूब के मर जाना। अगर आपको 3-5 दिख के, 3-4-5 नहीं दिखा, साइन क्या होता है P/H, बी हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि 3-4-5 ट्रिपलेट है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, 10B, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं 10B निकालता हूँ, 10B निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, 10A निकाल लेते हैं भाई उसका, ठीक है, 10A निकाल लेते हैं, 10, क्योंकि यहाँ ए दिया हुआ है ना, साइन ए दिया हुआ है। अब देखो टेन क्या होता है, P/B, P कितना है आपका 3, B है 4, ठीक है, ये 10A आ गया, आपसे पूछा ही थे 10B। अब देखो यहाँ अगर A एंगल कितना है 90, अगर मैं A की वैल्यू पुट करूंगा तो हो जाएगा 90 - B, ठीक है, 10 हो जाएगा, A की वैल्यू पुट करूंगा 90 - B। और मैंने बताया था ना 90 डिग्री और 270 पे एंगल चेंज हो जाता है, एंगल क्या है वो चेंज हो जाता है, यानी कि वो अगर 10 है तो कोट हो जाएगा, तो कोट B आ जाएगा, ठीक है, 90 समझ लो। अगर लिखा है साइन 90 + थीटा तो ये चेंज होगा, ठीक है, कोस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा, साइन या फिर 10 90 - थीटा या 270 ले लो, 270 + थीटा हो -थीटा हो ये चेंज हो जाएगा कोट में, 90 और 270 पे चेंज होते हैं, चाहे प्लस हो माइनस हो। इसके बाद आती है बात साइन की, साइन क्या होगा, वो होता है डिपेंड करता है ऑल स्कूल टू कॉलेज पे, कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये होता है 90, ये होता है 180 तक, ये होता है 270 तक, ये 360 तक, भाई बात समझ में। भाई टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन दिलवा दो, अरे मैं कहाँ से दिलवा दूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बड़ी बात है, ये क्या बात हुई ना। बाकी आप मॉक टेस्ट फ्री में भी तो दे सकते हो कई जगह, समझ लो आप ओलिव पे जाके फ्री दे सकते हो, टेक्स्ट बुक पे भी थोड़े बहुत फ्री दे सकते हो, और इतना महंगा नहीं है, मतलब 300 या 350, 400 रुपये का होगा एक साल के लिए, इतना तो आप अफोर्ड कर पाओगे, ये तो झूठ ना बोलो कि अगर आप नेट चला के फोन में मेरी वीडियो देख लो, 400 रुपये अपनी पढ़ाई के लिए अफोर्ड कर सकते हो, मांगना छोड़ दो।
ठीक है। अब देखो कोट बी क्या आ जाएगा, 3/4। अब हमें निकालना क्या है, टेन बी। टेन क्या होता है, कोट का उल्टा, यानी कि 4/3 होगा, सिंपल सी बात है। बट आपको खनका नहीं खनका कि ये 3 5 देख के आपके चार दिमाग में आया, 3 4 5 ट्रिपलेट याद है, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 20 21 29, 7 24 25, रोज लिख रहा हूं मैं, मुझे रटे जाएंगे, तुम्हें नहीं रटे तो देख लेना। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये देखो ग्राफ का है, देखो भाई कुछ भी करो जल्दी से करो। इसने क्या पूछा है, द इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट, सॉरी इम्पोर्ट, हमें इतना ये पढ़ता नहीं इनको कि क्या क्या है, ठीक है। इम्पोर्ट इन 1974, 6000 है, इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 71, 1600 का, 6000 1600 का कितना गुना है, ये 2 से 2 काट दो, 16 से काटोगे 8 30 है ना, 16 चौक, रुको 16 3 24, 6 6, यानी 3 3 ही हो गया ना, 16 3 24, तो 6/8 यानी कि 3/4 विल बी योर आंसर, दैट इज 3.75। आई डोंट थिंक सो इसमें कैलकुलेशन की ज्यादा स्पीड है, 6/ आपको 16 बताना है, 60/16 बताना, क्योंकि 0 से तो 0 कट गई, इसको और छोटा कर लो 30/8 बताना है, इसको और छोटा कर लो 15/4 बताना है, ये होता है 3.75। ये तो मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि तो आपको ऑलरेडी आता है ना, आता है नहीं आता। चलो 10वां क्वेश्चन पार कर लिया, अब आ जाते हैं अपन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे, अच्छा या नहीं वो तो बताएगा टाइम। अब देखो क्या बोला है इसने, कुछ तो बोला है मुझे नहीं पता, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है कई बार, क्योंकि उसने क्या करा, एक फिगर ऊंची सी दे दी, बट आप डिफरेंस देखो ना तो इतना बड़ा नहीं, तो हमेशा ना कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है ना ये आंसर हो, बट आप हमेशा ना थोड़ा सा हो जाता है। देखो ये 120 है ना, 9 और 1 10, ये 122 है, ये तो 120 से कम होगा, ये 60 है अगर, तो ये 63 होगा, यानी 123 है। देखो ये 123 है, ये 122 है, अब देखो इनकी फिगर में देखो आपको कितना, ये ऐसा हाइपोथेटिकली ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा है, बट इवन दो वो एक ही यूनिट बड़ा है, तो आप हमेशा ना ऐसे चेक कर लेना, क्योंकि ऐसे मैं नहीं चाहता कि एक छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से आपका 2.5 नंबर कट जाए, और अगर मेंस में है तो 4 नंबर जाए, ठीक है। तो आया आ जाएगा क्लास 7 विल बी योर आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो तो मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ होती है, क्योंकि मैंने मॉक दिए हैं, भर के दिए हैं, मैंने 150 200 मॉक दिए होंगे, ज्यादा ही दिए होंगे, 60 70 तो मैं तुम्हें कराऊंगा, जब वो तब जब मैं जॉब कर रहा हूँ, फ्री होता तो मैं कितने देता, आप सोचो। अब देखो अशोक एंड अनिल किसी काम को, लिख लेते हैं अशोक एंड अनिल किसी काम को पैसे लेते हैं, ठीक है 4500, ठीक है भाई। अशोक किसी काम को 8 दिन में करता है और अनिल उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अमर, असिस्टेंस मतलब होता है साथ, ठीक है इंग्लिश में सिखा दी मैंने, विद द हेल्प ऑफ अमर, वो विद द हेल्प ऑफ अमर यानी कि वो तीनों मिलके, अगर विद द हेल्प ऑफ अमर वो तीनों मिलके उसको 4 दिन में खत्म कर देते, तो बस कुछ नहीं एलसीएम लेना आपको, 24 3 2 6। अब देखो ए एस की वैल्यू है 3 यानी अशोक की, अनिल की वैल्यू है 2 और टोटल है 6 3 2 5, यहाँ क्या होगा, एक होगा, तभी तो ये 6 जुड़ रहा है, तो एफिशिएंसी भी आ गई। अब देखो हमेशा ना पैसा उसी उसमें बटेगा जिसमें उनकी काबिलियत के ऊपर, यानी वर्क पर डे के ऊपर, तो ये वर्क पर डे ही तो है 3 2 और अमर का 1 पर, यानी नेपोटिज्म नहीं चलेगा इधर, इधर चलेगी काबिलियत, मेरिट से आए हैं, ठीक है, यानी उसने 3 यूनिट काम करे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तो टोटल पैसा क्या है 4500। हमें निकालना किसका पैसा है, अमर का, यानी एक उसको 1 यूनिट 1 रुपया मिलेगा टोटल में से, यानी टोटल कितना 6, तो उसकी एफिशिएंसी 1 होगी टोटल ऑफ 6। अगर वो पूछता अशोक की तो 3/6 होती क्योंकि टोटल, अमर इसकी पूछता अनिल की तो 2/6 होती, तो हमसे पूछिए अमर की तो 1/6 ऑफ 4500 विल बी योर आंसर, काट दोगे, काटू 750 विल बी इन ऑप्शन नंबर विच, 750 B में। आगे बात समझ में आगे ही नहीं आई, नहीं आ रही हो ना तो कमेंट में बता देना, शर्माना मत। अब ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई,
यह सिमिलर प्रॉपर्टीज देखो, ए बी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, देखो सिमिलैरिटी बन जाती है, ये दोनों इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल है, सिमिलर ट्राइंगल, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, या फिर रेशियो इक्वल है। अगर समझ लो ये 9 होता और यहाँ भी 9 है, ये 13 है, ये भी 13 है, ये 15 है, तो ये भी 15 हो, ये तो आंसर हो गया सिंपल। ठीक है, ये मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब आ जाती है बात, ये क्यों है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल, किसी भी एंगल उसकी दो साइड सेम है, तीसरी साइड भी उन्होंने बोला है तो वो एंगल अपोजिट के हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल होता है। अगर समझ लो ये सेम फिगर मैं बना रहा हूँ, और अगर वो रेशियो में बता देते, जैसे ये 9 है, ये 18 है, ये 13 है, ये 26 है, देख रहे हो, यहाँ यहाँ रेशियो 1:2 है, तो यहाँ ये 15 है, तो ये 30 होगी, सिंपल सी बात है, तो ये रेशियो यहाँ 1:1 बनता है, ये 9 है, ये 9 है, ये 13 है, ये 13 है, तो ये 15 है, ये भी 15 होगी। ठीक है, ये अगर ये 9 होती, ये 18 होती, ये 13 और 26 होती, तो ये 15 का डबल होती, क्योंकि 1:2 रेशियो चल रहा है, 1:3 भी हो सकता है, कुछ भी रेशियो हो सकता है, तो रेशियो सेम होता है सिमिलर प्रॉपर्टीज में, कुल मिला के बात यह है। चलो तभी 35 सेकंड लगे हैं लोगों को, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है टुच्चा सा क्वेश्चन, बट फिर भी 16% लोगों ने गलत करा है। देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका है 90 डिग्री, ठीक है भाई, साइन थीटा 1 आपका 1/2, अगर आपको टेबल याद है तो आपको पता है साइन 30 होता है भाई, 1/2, तो यानी ये 30 है, तो ये कितना होगा, ये 60 होगा, बट यहाँ तो सर पाई पाई कुछ दिया, पाई क्या होता है आपका वो 180। अब आपको क्या चाहिए, 60 डिग्री, पाई को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे ना तो 60 आएगा, यानी आपका पाई बाई 3 आंसर होगा। कभी आप ये 60 लेके यहाँ कंफ्यूज हो जाओ क्या होता है पाई, समझ आ गई बात, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो जो इजी क्वेश्चन है ना उनको मैं तेज करा रहा हूँ, ताकि मैं अच्छे क्वेश्चन पे टाइम दे पाऊँ, जैसे कि ये अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, उसने क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, टोटल अमाउंट कितनी है ये है, कितने का रेट है, 14 2/3, अगर आपको देखो 14 2/3 ऐसे शायद होती नहीं थी, तो आपको अगर नहीं पता है, कीड़ा आ गया मेरे कमरे में, तो इसको बस सोल्व कर लो, 14 2/3 को कैसे सोल्व करोगे, 14 42, 42 + 2 44 बटा 3, ठीक है, तो ये इसका परसेंटेज है 8 महीने के लिए, देखो 8 महीने के लिए ना कि साल के लिए, तो 1 साल के लिए होती तो 1 लिखते हैं हम, बट यहाँ क्या है 8 महीने के लिए, और टोटल कितने महीने होते हैं 12, तो अगर मैं इसको काट दूँ तो 2/3, ठीक है 2/3 हो गया, बस खत्म, 3 3 9, 9 3 27 है ना, तो आपकी, अब देखो मैं एक और चीज बता दूँ क्या आपको, अगर मेरे पे बताओ, अगर मेरे पे समझ लो ये इक्वेशन लिखने के बाद 5 सेकंड और बचे हैं, तो आप आंसर कौन सा मारते और क्यों मारते, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ आपको कुछ चीजें दिख रही हैं नहीं दिख रही हैं, कि अगर आपके पास 10 5 सेकंड होते और इसके बाद या 10 सेकंड होते समझ लो और सोल्व नहीं करना आपको, तो आप कैसे आंसर मारते, मुझे जल्दी सिखाना है आपको बस, कि आंसर कौन सा होता, ये आपको कुछ दिखना चाहिए इस नंबर से, लो हेल्प कर दी कि 44 से आपको कुछ तो चमकना चाहिए, ताकि आप ऑप्शन डायरेक्ट आंसर कर सको। देखो क्या कमेंट में किसी ने बताया, किसी ने दिल खुश कराया क्या मेरा, 2640, 2640 आंसर ठीक है, बट ये बताओ मुझे मैं जल्दी कैसे करूं इसको, मुझे तो ये बताओ तुम, मैंने ये इक्वेशन लिख दी, इसके बाद मेरे को सोल्व नहीं करनी है कैलकुलेशन, तो मैं जल्दी कैसे करूं ये बता दो मुझे। डी 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 ये सब ठीक है, किरण ठीक है बोल रहे हो आप, विशाल भी ठीक बोल रहे हो, विनोद भी ठीक बोल रहा है, उमंग भी ठीक बोल रहा है, बट क्यों बोल रहे हो भाई, मतलब बोल तो रहे हो ठीक बात है, मतलब जल्दी कैसे करें ये बताओ मुझे, सब ठीक है, जल्दी कैसे करना है ये बता दो, जल्दी कैसे करोगे मैं बता दो। देखो 44 क्या है, ये 44 क्या है, 11 × 4 नहीं है क्या, 11 का मल्टीपल है, 11 क्या होता है ऑल्टरनेट डिजिट, इनका ऑल्टरनेट डिजिट का सम देखो 6 है, यहाँ 2 है, दोनों का सम 0 हो, डिफरेंस 0 हो या तो 11 हो, 5 है ये 6 है, दोनों का या तो 0 हो या 11 हो, दोनों ही नहीं है, ये कितना 3 और ये 6, दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो, 6 6 0 हो गया, आई बात समझो, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, देखो मानोगे नहीं मानोगे मुझे,
मतलब अपने आप को अगर आप समझ पाते, तो हमेशा आपको अगर पाई दिख जाता है कि यार पाई कहीं कटेगा नहीं, या फिर जैसे 11 है, 11 यहाँ दिख रहा है कहीं कटेगा नहीं, हो सकता है कई बार अगर समझ लो यहाँ 11 होता तो कट जाता ना, देख लो कि 11 कहीं कटेगा नहीं, तो उसका मल्टीपल डेंड हो, और बहुत बार होता है, ज्यादातर बार होता है, 90% होता ही है। तो जब पाई आपको लग रहा है फाइनल तक जाएगा, तो पाई का 11 का मल्टीपल ढूंढ दो, बाकी सोल्व सब कर सकते हो। और एक और ट्रिक बता दूं क्या आपको, छोटी सी, समझ आया नहीं आया पहले ये बता, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे कमेंट कर दो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा? अब कैसे जल्दी करते हैं आप इसको, कि यार आपने देखा 27,000 है, ठीक है भाई, इंटू 44/3 है, और ये 8 महीने यानी 12, 1/2/3, ये गया 3,000 पे, अब दिख गया 44,000, 11 का मल्टीपल हो सकता है, एक बार देख लेता हूँ, तो आपने देख लिया, सीधा सीधा आंसर मार कर सकते थे आप, बट नहीं होता तो आप मल्ट कर देते। अब एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि 11 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ क्या होता, मैं इसी को कर देता हूँ सॉल्व, 3,000 था इंटू 44 था इंटू 2 था, जहाँ तक मैं सही हूँ, ठीक है? अब मैंने इसमें 11 बाहर निकाल ले रहा हूँ, इसको बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो ये 3,000 बच गया, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 12, सही कह रहा हूँ मैं? नहीं सॉरी, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24,000, और सॉरी 240 × 11, ये है हमारा, सही बात है? डाउट सा क्यों कर रहे हो आप मेरे को? मैंने कुछ नहीं करा, इसको बस खोल दिया, मैं बस आपको 11 की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है, ठीक है? 4 दुनिया 8, 8 तिया 24, तो 210 × 11, ठीक है, परसेंटेज में वो देख लेना। अब मुझे ना इसकी मल्टीप्लाई करनी है 11 से, तो देखो अगर आपको किसी भी नंबर से 11 से मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 240 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप शॉर्टकट क्या करोगे, इसके आगे पीछे जीरो लगा दो, ठीक है? इसके आगे पीछे आपने लगा दे जीरो, अब क्या करो, इनको ऐड करो, इस वाली इक्वेशन को, इस वाले नंबर को इससे ऐड करो जीरो, इस वाले नंबर को इससे ऐड करो जीरो, 4 हो जाएगा सॉरी, इस वाले नंबर को इससे ऐड करो 6 हो जाएगा, इस वाले नंबर को इससे ऐड करो, तो 2640 आंसर, समझ लो, समझ आएगी बात, देखो बहुत बढ़िया था। अब कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लो आप ऐसा करो, 273 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 273 को रैंडम नंबर लिया है मैंने, बना के नहीं लाया, तो आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, उसके आगे पीछे जीरो लगा दो, ठीक है? इसको जोड़ो 3 लिखो, इसको जोड़ो 10 लिखो, एक कैरी हो गया, इनको जोड़ो 9 लिखो, 2 7 2 9 1 10 हो गया, एक हासिल, 3 और 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा शायद, चेक कर लेना, मुझे डाउट सा लग रहा है, पर ठीक है। अब मैं लिख लेता हूँ 243 लिख लेते हैं, चलो इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करो, तो आगे पीछे जीरो, ये 3, इन दोनों को सम करो 7, इन दोनों को सम करो 6, इन दोनों को सम करो 2, तो 11 का मल्टीपल हो गया। बहुत काम आती है, कभी कभी काम आएगी आपको, मैं बहुत सारी चीज़ें पता है मुझे, तो आपको समझ आ रही नहीं आ रही है पहले तो ये कमेंट में बता देना भाई, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। थोड़ा तो ज़्यादा टाइम ले दिया, बट चीज़ें सिखा दी मैंने कि आप 11 का मल्टीपल ढूंढ सकते थे इसमें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मुझसे मत एक्सपेक्ट करना कि मैं कराऊंगा, हालांकि मैं कराऊंगा ही, क्या है 80.40/20, ठीक है, माइनस 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 प्लस हो गया 4.02 + 2.06, ये तो जीरो करते तो 0.6 यानी 6.08, ठीक है भाई, इसको काटो, इसको 2 डिजिट 0 ले आओ, ये कितने पे जाएगा 4.02, इसी पे जाएगा भाई 4.02, यानी कि 0 हासिल, 1 10 10.1 मिलियन आंसर करता हूँ। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें मैं कुछ सिखा नहीं रहा, ठीक है, इसमें कुछ सिखाने का है नहीं, क्योंकि मैं कैलकुलेशन थोड़ी सिखाने आया हूँ आपको, मैं तो कंसेप्ट सिखाने आया हूँ जो कि आपको इसमें दिखेगा। ये जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आप मुझे जरूर याद करोगे, अच्छे वे में, अच्छे वे में। नाइस ट्रिक सर, यूनिट डिजिट कर सकते हो, बट आपको डायरेक्ट याद होगा तो बढ़िया है, मैं दिख रहा हूँ ना, हाँ दिख रहा हूँ मैं, तुम तो स्मार्ट लग रहा हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको, बस कुल मिला के बात ये है कि समझ आना चाहिए। नाउ अब देखो ये एक टाइप का क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब भी आपको एक जगह सिर्फ कोस या साइन दिखे ना, कोस या साइन, वो वाला क्वेश्चन बेहतरीन हो जाता है, और मजा तो तब आता है जब उसमें कोट या टेन दिया हो,
क्यों वो मैं बताता हूँ क्यों, फिर मैं एक एग्जांपल भी दे दूंगा आपको ताकि आप दो क्वेश्चन कर लोगे इसी से। अब देखो कोट ए क्या हो जाएगा यहाँ भाई, आपका 7/9 हो जाएगा, ये तो ठीक है, ये मत पूछना कैसे हुआ, 3 इधर ले गया मैं, ठीक है। अब देखो कोट क्या होता है, कोट क्या होता है, कोस बाई साइन होता है ना, कोस बाई साइन। अब आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको कोई भी इक्वेशन ऐसी दी हो और कोस और साइन हो, बस कोस और साइन ये ध्यान रखना, कहीं भी हो बस कोस और साइन हो, और कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दूसरा नहीं होना चाहिए, तो बस इसकी कोस की जगह 7 पुट कर देना, साइन की जगह 9 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कोस की जगह क्या पुट करना है, 7, तो 1 सेकेंड, कोस की देखो 3 cos थीटा, कोस की जगह आपको पुट करना है 7 प्लस 2 sin थीटा, साइन की जगह क्या पुट करना है 9, बताओ 7 या 21 माइनस 18, ये क्या हो जाएगा 21 प्लस 18 यानी कि 9 3, और ये क्या है भाई 3 यानी 13। ट्रिक बढ़िया थी, ट्रिक नहीं था वैसे, देखो सही बताओ ये क्यों ट्रिक नहीं था, मुझे क्या पता क्यों नहीं है, मेरे को तो पता है, मुझे देखो यार मुझे कई बार बेसिक में भूल जाता हूँ कि निकल के कहाँ से आया, और आपको भी सही बताऊँ तो ध्यान में होना नहीं चाहिए निकल के कहाँ से आया, बट आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये ऐसा होता है, समझ आ गई बात। चलो भाई एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, फिर आप कर लेना, ठीक है। समझ लो टेन है आपका 4/5, तो आप मुझे बता दो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा, मुझे ये बता दो बस। आप पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्ट नहीं होगा बट ये बतेरे आते हैं, भर के आते हैं। तो मैंने क्वेश्चन दिया, मुझे आंसर तो पता नहीं है, तो मैं आप करो अपनी साइड पेन कॉपी में, मैं भी करता हूँ। 10 क्या होता है, साइन बाई कोस, साइन की जगह 4 लिखना है मुझे, कोस की जगह 5 लिखना है बस, 3 sin यानी 12, ये 10, 3 cos यानी 15 माइनस 2 sin यानी 8, यानी कि 22/5 2 7, ये मेरा आंसर हो जाएगा 22/7, तो पाई आ गया मेरा आंसर, तो पाई 13 13 22/7, बहुत बढ़िया विशाल, चीज समझ आई। देखो अब हर बार आप ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं ना, भूलना मत, देखो मेरे को अच्छे से याद कर लेना, मैं चाहता हूँ मेरे को याद करो ताकि हेल्पफुल हो वीडियो, इसीलिए क्लास हो रही है। अब आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे आप क्वेश्चन कर पा रहे हो मेरी वजह से, और क्या, और किसी वजह से, पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ, पैसे थोड़ी ले रहा हूँ आपसे। चलो ए मैन ए वुमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन दिस, तो एक मैन वुमेन एंड बॉय 3 दिन में काम कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है, तो इनकी एफिशिएंसी वर्क हो गया 15, और कितना हो गया इसका 5 एफिशिएंसी इसकी हो गई, 3 इसकी हो गई, 1 एफिशिएंसी, ये होता है टोटल वर्क, ये होता है इनका या जो भी होता है टाइम। अब उसने क्या बोल रहा है, हाउ मैनी बॉयज वी कैन असिस्ट विद वन मैन वन वुमेन, के साथ कितने बॉयज हम लगा दें ताकि ये जो पूरा काम है टोटल काम कितना है 15, वो 1/5 दिन में हो जाए, समझे। हम एक मैन एक वुमेन के साथ कितने बॉयज, हाउ मैनी बॉयज लगा दें सो दैट जो काम है वो 1/5 दिन में हो जाए, यानी कि 15 × 5 = 75। अब देखो एक मैन कितना काम करता है एक दिन में, 5 यूनिट, एक वुमेन कितना करती है 3 यूनिट, ठीक है, बॉयज कितना करता है 1 यूनिट, यानी बॉयज जो करता है वो 1 यूनिट है। अब एक्स कितना आ गया, 75 - 8 यानी कि 68, क्योंकि ये तो 1 यूनिट काम करता है ना एक दिन में, तो इसका वैल्यू 1 ही रहेगी, है ना, 1x 1b लिख दो, चलो 1b, तो 1b कितनी, यहाँ b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5 3 8 गया तो 17, 67 विल बी योर आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में, स्टोरी समझा करो, देखो एक मैन एक वुमेन कितने बॉयज के साथ उस काम को 1/5 डे में कर दे, 1/5 डे में, समझ आ गई ना बात, क्वेश्चन इजी है मजेदार है, फिर भी देखो 40% लोगों ने ही सही करा है, यानी कि वो फंस जाते हैं, इन्होंने कैसे करा है, करा है जैसे भी करा है, हमें लेना देना नहीं है। चलो भाई ये देख लेते हैं आप, शॉपकीपर गिव्स अ एडिशनल 12% डिस्काउंट ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक
ठीक है, आफ्टर गिविंग एन इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 25%, ठीक है, मतलब एक 25% डिस्काउंट होने के बाद उसने 12% डिस्काउंट और दिया, उसके बाद उसको सेलिंग प्राइस इतना पड़ा, मतलब उसको बाद जो बेचा उसने इतने का बेचा, तो बताओ कि यार लेबल प्राइस कितना था, ठीक है, यानी देखो 25% क्या होता है, 1/4, यानी 4 रुपए की चीज थी उसने 3 रुपए की बेच दी, ठीक है, एडिशनली उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 12%, यानी 100 रुपए की चीज उसने 88 में बेच दी, ठीक है, ठीक है, चलो इन दोनों अगर, तो 400 रुपए की चीज उसने 8 या 24, दो कह रही 8 या 24 तो 26, ठीक, इतने की बेच दी, सही तो कह रहा है मैंने। अब देखो 400 रुपए की चीज, देखो दो डिस्काउंट दिए ना उसने, आया तो आप ऐसे कर लो यार, इसका एक तरीका ऐसे भी होता है, 792 × 1 - डिस्काउंट, है ना, ऐसे तो कुछ होता है, 4/3 × 100/88, ऐसे करके होता है, वो बेसिक हो जाएगा, अभी उसको हटा ही दो, आप उसको हटा दो, रेशियो मेथड से करो, कैलकुलेशन बचती है, ठीक है, उसने 12% एडिशनल डिस्काउंट दे दिया, देखो दिखा दिया मैंने 12% दिख रहा है, और उसने 25% का डिस्काउंट दिया, 25 क्या होता है, 1/4, यानी 4 रुपए की चीज 1 रुपए के डिस्काउंट पे दी, यानी 3 रुपए की दी, ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, आप कितने का डिस्काउंट दिया, देखो यहाँ 100 और 36, 136 रुपए का डिस्काउंट दिया, जो किसके बराबर है आपके, नहीं, उसने क्या बोला, नहीं, ये गलत कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ, ये हो गया, इतना तो समझ गया, ठीक है, उसने क्या बोला, जो सेलिंग प्राइस है वो 792 है, सेलिंग प्राइस तो हमारा ये है ना, तो ये 792 है, बट यार मेरा तो 264 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको काट दो, अब ये दिख रहा है मुझे 4, ये 2, यानी 3 पे जाएगा, खत्म, 3 है, अब आप एक की वैल्यू 3 है, तो 400 की वैल्यू कितनी होगी, 400 × 3 1200 विल बी योर आंसर, विल बी योर आंसर, जो ये बता रहा था ना, वो क्या होता है, 792 था, ठीक है, ये कब हुआ, जब आपने डिस्काउंट दिए होंगे, है ना, यानी आपने पहले कितने का डिस्काउंट दिया, 25% का, यानी 4 रुपए की चीज आपने 3 रुपए में बेच दी, अब हो सकता है इसे गलत है, फिर क्या हुआ, आपने एक और डिस्काउंट दिया कि 100 रुपए की चीज आपने 88 रुपए में बेच दी, ठीक है, आप एक बार ये सोल्व कर लेना, इससे शायद आंसर आ ही जाएगा, जहां तक मुझे लगा, क्योंकि बेसिकली हमने सही चीज करी है ना, हाँ ठीक है, इससे ये आ जाएगा, बट नहीं देखो ये प्योरली कैलकुलेशन है यार, इसमें कुछ बचा नहीं पाया, इसमें आप डायरेक्टली देख सकते हो, देखो ये छोटा लगा मुझे एज कम्पेयर टू दिस, दिखने में छोटा होगा बट ये कैलकुलेटिव है, तो आप ये अवॉइड ही करो, ये वाला डायरेक्ट करना, समझ आ गया होगा आई होप, तो कोई नहीं आया हो तो कमेंट में बता देना, क्वेश्चन लिख के अपन दूसरी बार कर लेंगे, अब ये देखो, ये प्योरली कैलकुलेशन, और ये 90% बच्चों ने, नोटी नोटी हो रहे लोग, तो हाँ, तो हमें बताना है इसमें से रेशो कौन सा छोटा है, अब देखो उससे पहले मैं आपको एक छोटू सा एग्जांपल देता हूँ, देखो 1/2, 2/3, दोनों में एक का डिफरेंस है, दोनों में एक का डिफरेंस, 1/2 क्या होता है, आधा, 50%, 2/3 क्या होता है, 66%, 66.67%, ठीक है ना, अब देखो दोनों में एक का डिफरेंस है, बट जो छोटे वाला जो होता है ना, वो छोटा होता है, छोटा है मतलब छोटा है, यानी कि 2/3 और 3/4 में से कौन छोटा होगा, ये छोटा होगा, क्योंकि ये छोटा है, मैंने बताया क्यों, क्योंकि देखो 66.67 होता है, ये होता है आपका 75%, सेम 3/4 है और 4/5 है, तो ये छोटा होगा, मैं बता रहा हूँ बस एग्जाम्पल, तो ऐसे 5/6 है और 11/12 है, दोनों में एक का डिफरेंस है, बट छोटा क्या होगा, पहले वाला छोटा होगा, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, अब आपको पता है 7/9 आप करो, देखो 1/9 क्या होता है, याद है बताया था, 11/11, 1/11 क्या होता है, 9/9, याद है, अब मैंने बताया 1/9 होता है 11/11, ये क्या है 7/9, यानी 7 से मल्टीप्लाई करो तो 77.77 कुछ होगा, लिख लेता हूँ, चलो लिख लेता हूँ मैं, 7/9 है आपका 77. कुछ कुछ कुछ, 5/6 होता है आपका 83, 1/3 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, रट लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं कराऊंगा आप परसेंटेज के इम्पोर्टेंट रेशियोस, 83 1/3, क्योंकि 1/6 आपका क्या होता है पता है आपको, 16 2/3, 16.67,
उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, बट आप डायरेक्ट याद रखो इसको, 5/6 होता है 83, 1/3 लिख लो, सर्कल कर लो, काम आएगा, बहुत आएगा पेपर में, बहुत काम आएगा 83 1/3। ठीक है चलो, अब आ जाती है बात 7/9 की, इसको भी कर लो, ऐसे कर लो आप। ठीक है बे, ये आंसर क्यों मार को जाता है हमारा, वो भी गलत ही क्यों होता हमारा, कहाँ गया? हाँ ये लो, ये नीचे दिखी गया, रो वही से देखो, 5/6 हमारा 83 आ गया, 7/9 आपने हमने दिखा दिया 77 पॉइंट, देखो ये 77 था, ऐसे ही मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, मेरा टाइम बच जाएगा। ठीक है, प्योरली कैलकुलेशन, 11/12 कितना होता है, देखो मैंने आपको बता दिया 11/12 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखो 5/6 था और 11/12 था, दोनों में एक का डिफरेंस है, तो छोटे वाला छोटा ही होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब आगे 13/18, उसको आपको चेक करना था, ऐसा 130 करके इसको सोल्व कर लेते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बट आप कैलकुलेशन कहाँ कहाँ, एक सेकेंड, कैलकुलेशन कहाँ कहाँ बचा सकते थे आप, कैलकुलेशन तो एक इसको सोल्व ना करते, क्योंकि ये दिख रहा है छोटा है, स्मॉलेस्ट पूछा है, आप इसमें बचा सकते थे, ये 77 है, ये 83 है। ठीक है, 77 कैसे, क्योंकि 1/9 कितना होता है, 11.11, 1/11 क्या होता है, 9.9। ठीक है, ये याद रखना, 5/6 क्या होता है, 83/1। ठीक है, ये आपको दिख गया, ये नहीं है। अब आपको इसको और इसको चेक करना है भाई, ये 13/8 कोई रेशो होता नहीं है 18 का, तो ये आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको करते तो आपका आ जाता, इसमें टाइम नहीं बचेगा, प्योरली कैलकुलेशन है, इसमें नहीं बचेगा, बाकी तो मैंने बचा दिया, जहाँ नहीं बचेगा मैं क्यों बचाऊं। ठीक, चलो आगे चलते हैं, चलो ये भी ठीक है। अब आ जाते हैं हेमिस्फेयर पे, हेमिस्फेयर पता क्या होता है, क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल को हमने बहुत खेला और वो आगे बीच में से फट गई बिल्कुल। ठीक है, ये उसका रेडियस होता है। ठीक है भाई, अब आधा हो गया है, तो वॉल्यूम क्या होती है इसकी, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होती है, 4/3 πr³। यहाँ क्या हो जाएगी, 2/3 πr³, क्योंकि आधा हो गया। जो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस होता है मतलब जो उसकी बाहर की गोल है, उसको अगर हम पूरा मतलब कवर कर देंगे तो कितना होता है, वो होता है 2πr² और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr². ठीक है, ये रेडियस होती है, बस ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसके अलावा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा हेमिस्फेयर से। ठीक है, अब हमें कुछ मतलब नहीं, अब हम आ जाते क्वेश्चन पे, अ हेमिस्फेयर बॉल हैज अ रेडियस 7, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, सेंटीमीटर है, इट इज हैज टू बी पेंट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब बॉल है आपकी, आपको बाहर से भी पेंट करनी है, अंदर से भी करनी है। ठीक है, उसने कॉस्ट भी बता दी कि 20-40 रुपए लगते हैं 20 सेंटीमीटर को पेंट होने में, तो 1 सेंटीमीटर को होने में कितने लगेंगे, 2 रुपए। ठीक है, अगर 20 सेंटीमीटर को 40 रुपए लग रहे हैं पेंट होने में, तो 1 सेंटीमीटर को 2 रुपए लगेंगे, तो हटा दो। टेक थिकनेस नेग्लिजिबल, यानी बोल जो है बिल्कुल चपटी है, मतलब उसके कोई लेंथ नहीं, मतलब ऐसा हो सकते हैं कि बोल मोटी हो, ऐसा बोल का वो हो, बट यहाँ 0 बोल दी उन्होंने नेग्लिजिबल, तो आपको यानी कि रेडियस जो है वो सेम है मतलब दोनों का, तो आपको निकालना क्या है, देखो आपको पेंट करना है, पेंट भरना नहीं है, पेंट करना है, तो पेंट यानी कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr², 2 × 22/7 × r² आर कितना है, 7, 7 से गया 7। ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो आप जलवा, अब एक चीज ट्राई करें क्या, मुझे 22 दिख रहा है, 22 मेरे को देखते 11 या 11, मैं एक बार ट्राई करना चाहूंगा, 6 5 नहीं होगा, 4 2 6 नहीं होगा, 3 6 नहीं होगा, 4 4 भाई देखो मेरे को ना आंसर कर रहा है ए, मैं एक बार मार के देख लेता हूँ ए है क्या, आप मत मेरे से मत भूलना, मैंने कुछ सोल्व ही नहीं करा, मुझे दिख गया भाई पाई, मेरे को 22 दिखते हैं, मैंने आंसर देखो तो आपके कसम से बता रहा हूँ, मैंने पेपर में मतलब जब मैं मॉक दे रहा था मैंने पूरा सोल्व करा था, मुझे अभी 22 दिख गया, मैंने कहा एक बार ट्राई मार लेता हूँ, देखो कसम से बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, पाई देखते देखो मैंने आपके सामने ट्राई मारा और आंसर हो गया, वरना मैं बता देता हूँ कैसे करना है, वो तो मैं बता ही रहा था, अरे यार ये गायब हो गया, 2πr² आर कितना था, 7। ठीक है, ये हटाओ, ठीक है ये क्या आ गया, मैं इसको ना 2 और 11 अलग अलग कर देता हूँ, तो 4 28 7, 4
सात चौके 28, 28 में 11 का मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं, 8 0 8 2 10 एक कैरी, 2 और 0 2 और एक कैरी 3, 308। ये क्या हो गया बाहर का पेंट। फिर हम सेम अंदर करेंगे यानी डबल कर देंगे क्योंकि इसमें कोई लेंथ नहीं है, तो ये हो गया 600, 8 8 16, 616। अब एक एक सेंटीमीटर को 2 रुपए लग रहे, तो इतने सेंटीमीटर को कितने लगेंगे, 600 का डबल 1200, 1200 और 16 का डबल 32, 12 32 विल बी योर आंसर। बट मजा आया नहीं आया जब मैंने 22 का मल्टीपल यानी 11 का मल्टीपल डायरेक्ट देखा, सॉरी मजा आ रहा है नहीं आ रहा, समझ आ रहा है क्वेश्चन, देखो जल्दी कैसे करना है, समझ आ रहा है, आई होप समझ आ रहा होगा, कमेंट देख लो। 19 समझ नहीं आया, 13 साल मेरे दोस्त है वैसे, पर ठीक है, तो मतलब मजा आया ना, देखो 22 देखते थोड़ा सा दिखना चाहिए, खनकना चाहिए दिमाग में, कान के कंगन या खन के लेवल का मल्टीपल बात एक ही है। चलो ए कैन कम्प्लीट आ वर्क इन 6 दिन, ठीक है भाई, बी कैन कम्प्लीट आ वर्क इन 19, ये भी ठीक है, सी कैन कम्प्लीट आ वर्क इन 11 दिन, ठीक है, इसका मल्टीपल देखो 11 का मल्टीपल 99 है क्योंकि 6 के में नहीं आएगा, 99 का डबल 198, 198 आता है, हाँ 198 आता है, कितने पे आता है, 33 पे आता है, इसके में 22 पे आता है, इसके में आता है 11 कम 11, 18 ये हो गया। इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द होल वर्क, टोटल काम कितना है 198, तीनों मिलके कितने में करेंगे जोड़ लो भाई, 2 8 2 10, 10 1 3 13, 13 का 3 हासिल 1 4 5 6 7 8, 83। अब 83 को काटोगे तो आपको दिख रहा है ये 80 है, ये 200 है, चलो ये 80 है ये 200 है, कुछ भी मान लो, तो देखो 2 पे ही जाएगा, 2 के बाद कुछ बचेगा, एक ही ऑप्शन है 2 के बाद कुछ बचाने वाला जो कि हमारा आंसर होना चाहिए। आगे बात समझ में, देखो 45 सेकंड था, हाँ लगे जाते, कम ही लगे जाते अगर एलसीएम जल्दी ले लेते आप, एलसीएम में टाइम लग सकता है इसका, देखो एलसीएम का एक छोटा सा वो देखो इसमें क्या है, इसमें वैसे छोटा कुछ है तो बच्चे मतलब एलसीएम है, आपको देखो सबसे बड़ी वाली डिजिट का इसमें मल्टीप्लाई करो 99, वो आएगा नहीं इससे, तो वही एलसीएम लेना ही पड़ेगा यार, इसमें कुछ कर नहीं सकते, बट आप छोटा यही कर सकते हो कि फास्ट करो और दो दो देख के डायरेक्ट आंसर मार दो, ठीक है ना, समझ आई होगी आई होप कि ये बात। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे जो कि है कुछ तो है, देखो तो रानी रिनी मिक्स टू कलर इन रेशियो ऑफ 2:3, अगर पहला ये 500 रुपये का है एंड वो मिक्सचर जो है 650 रुपये के हिसाब से सेल कर रही है, ब्रेक इवन है यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, तो बताओ सेकंड कितने रुपए का होगा, ठीक है वही बात, ठीक है क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो, ठीक है मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये लो उसने क्या बोला है, रानी ने दो कलर मिक्स कर दिए C1 C2 2:3 रेशियो में, ठीक है, अब जो है वो बेकरी है, पहले का 500 रुपये यूनिट है, दूसरे का हमें नहीं पता, बट वो जो 650 रुपये टोटल मिक्सचर बेच रही है, 5 यूनिट बेच रही है 650 का, ठीक है, तो हमें बताओ इसका कितना होगा, देखो सिंपल सी बात है, 500 की दो उसने बोतल खरीदी तो 1000 रुपये हो गए, ठीक है, अब हमें इसका नहीं पता, वो 650 की एक बोतल बेच रही है, तो 5 बोतल कितनी हो गई, हो गई 6 5 5 25, 5 2 6 5 30, 32 टोटल हो गई 3250 की, अभी ये हमें 3 बोतल नहीं पता कितने की है, ठीक है भाई हमें, बट ये तो पता है ये 1000 इसमें से माइनस कर दो, ये हो जाएगी 2250 की 3 बोतल, तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से काटोगे 7 या 21, 7 सम में है 21 15 50, 550 750 विल बी योर आंसर। दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, मुझे लग रहा है आपको नहीं समझ आया, देखो 2 बोतल थी इस रेशो में थी, समझ, एक का था 500 रुपये प्राइस, एक का हमें प्राइस नहीं पता है, ठीक है, बट ये जो 5 बोतल का मिक्सचर हो 650 रुपये में बेच रही है, यानी अगर देखो 2 बोतल 500 रुपये की यानी 1000 रुपये की ये बोतल हुई होंगी, इसका हमें पता ही नहीं है, और ये टोटल जो बेच रही है वो 650 की एक बोतल बेच रही है, तो 5 बोतल बेची होंगी, कितने की पड़ गई थी 3250 की, ठीक है 3250 में से ये जो 2 बोतल है ये 1000 की है, तो यानी ये 2250 की हुई है, जो 3 बोतल बची है, तो एक बोतल आ जाएगी आपकी 750 की। ओके बाकी मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन कराऊंगा ना, एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा इसकी, वो डायरेक्ट ऐसे ट्री बना के हो जाता है, बट ये भी इजी था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, अब देखो ये मैंने फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं, उससे अलावा नहीं आएगा, देखो लेंथ
फॉलोइंग द लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ये होती है आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी ये, ठीक है। देखो पूरे सर्कल की पेरीमीटर या लेंथ बोलते हैं 2 पाई आर, और किसी कोई एक एंगल की बनाई होती है तो थीटा बाई 360 हो जाता है। उस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। किसी सेक्टर का एरिया चाहिए होता है तो वही थीटा बाई 360 हो जाता है, ये भी ठीक है। चलो अब उसमें क्या बोला, लेंथ ऑफ आर्क यानी ये, इसको अगर थीटा मान लेते, चलो ये क्या है 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क ये होती है थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है भाई। आर से आर गया तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा, ये 2 से 180 पे गया, थीटा आ जाएगा 180 18 पंजे 90, 900 बटे पाई। पाई को भी ऐसे ही रहने देते, पाई यहाँ आ नहीं रहा तो कट ही गई कहीं तो, ठीक है, वरना हम 11 को मल्टीपल ढूंढते या तो फिर पाई ढूंढते। ये थीटा आ गया, अब हमें बताना है क्या है, एरिया बताना है ए ओ बी का। इसका एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बट एक सेक्टर का एरिया बताना है तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। थीटा थीटा कितना हमारा, 900 बटे पाई थीटा बाई 360 ये होता है ना। चलो ठीक है, पाई से पाई गया, इससे ये गया, आर स्क्वायर सब में है, काटो 6 पे गया ये 15 पे गया, ये काटोगे तो 2.5 पे जाएगा, तो 2.5 विल बी योर आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। समझ आई, छोटू सा क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम टेक करेंगे नहीं इसमें, बस आपको दो फॉर्मूले याद रखने होते हैं, ये सर्कल होता है ठीक है, ये रेडियस होता है, ये इसका डायमीटर होता है ठीक है, ये रेडियस है, डबल डायमीटर होता है। इस सर्कल का कोई ये माइनर आर्क है, ये दूसरी वाली मेजर आर्क है, ये कोई थीटा होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। अब सेम हम आ जाते हैं किसी सेक्टर का, सेक्टर का ये क्या है लेंथ, किसी लेंथ ऑफ आर्क है तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, यानी पेरीमीटर की बात कर रहे हैं ना, बाहर की त्वचा की बात कर रहे हैं, त्वचा, तो क्या हो गया 2 पाई आर बस इंटू थीटा बाई 360। अगर वो इसके एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, बस उसमें हम एंगल जोड़ देते हैं। अब देखो, अब ये पूरा सर्कल है, ये कितना है 360 डिग्री है, तो हमने थीटा की जगह 360 लिया होगा, तभी तो ये कट गया होगा, तभी तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर बचता है, बैक साइड बता रहा हूँ मैं। और इसका ये पूरा लेंथ लिया हमने, वो कितना है थीटा कितना होगा 360, तभी तो ये 360 कट जाता है, तो सिर्फ 2 पाई आर बचता है पेरीमीटर में। समझ आ गई बात, ये हमेशा ध्यान रखना है क्या क्या है, इससे फॉर्मूले से सिंपल सिंपल हो जाएगा। इसको करते खत्म, आ गए लास्ट क्वेश्चन, आज मैंने कमेंट इतने पढ़े नहीं है, आप कमेंट करके बता देना क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है बढ़िया, क्योंकि ओनली 26% बच्चों ने सही करा है। चलो अब देखते हैं, कमेंट करके बता दो यार समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्लास कंटिन्यू ऐसी रखनी है नहीं रखनी, कुछ नई चीज़ डालनी है, कुछ चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी है, कुछ भी है सजेशन बता दो, टाइमिंग का मत लेना बस, ठीक है। और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दो या फिर स्टोरी में डाल दो, कुछ तो कर दो। चलो अब देखो, ऑन सेलिंग, इसकी ट्रिक बताता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन। ऑन सेलिंग अ पेंट एस, हमने इसको सेल करा 1498 का, तो द गेन इज 25, को मैं हमेशा 1/4 लिखता हूँ, 25% मोर, जो प्रॉफिट है वो 25% मोर है देन द लॉस अकर्ड, कोई कुछ प्राइस होगा लॉस अकर्ड ऑन द सेल ऑफ 1300 रुपये का। अब इन ऑर्डर टू गेन 25% 1/4 हमें, तो हमें सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहिए वो अलग बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, उसने क्या बोला है, अगर हम इसको इतने पे सेल करते हैं तो द गेन जो है, वो जो गेन है ये गेन होगा, इधर यहाँ लॉस हो रहा है, तो जो लॉस है तो माइनस होगा, गेन हो रहा है तो प्लस होगा, ठीक है। तो जो गेन है वो 25% मोर है लॉस से, यानी कि अगर गेन लॉस 5 है तो ये इससे, अगर लॉस 5 है तो गेन 1 ज्यादा यानी 5 है। आगे बात, बस क्वेश्चन खत्म, ये आपने डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। दोबारा एक और बार समझा देता हूँ कि देखो उसने क्या बोला है, सेलिंग अगर हम 1498 पे करते हैं ठीक है, तो गेन हो रहा है कुछ, और अगर हम लॉस
सेल 1300 पे करते तो जो गेन है, गेन वो 25% यानी 1/4 ज्यादा है लॉस से। यानी अगर लॉस 4 है तो प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, 1 ज्यादा यानी 5 यूनिट। ठीक है, ओके। बट ओवरऑल का डिफरेंस कितना है देखो ना, देखो 5+ का और माइनस डिफरेंस बता रहा हूँ मैं, इनका डिफरेंस क्या होगा, ये यानी 9 का डिफरेंस है। देखो 4 5, ये -4 है 0 के बाद, देखो इसके बाद -3 होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो 9 का डिफरेंस है, ऐसे देखना टाइम सीरीज में। ठीक है, 9 का डिफरेंस है, बट यहाँ कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, 198 का। तो 9 का जो डिफरेंस है वो 198 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ 9 का डिफरेंस है और यहाँ कितने पैसों में कितने का डिफरेंस है, 198। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 18 पे गई 22। अब देखो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा इससे, क्योंकि एक की वैल्यू 22 है, तो 5 की वैल्यू क्या आ रही होगी, इंटू 5 यानी कि 110, यानी कि ये 110 रुपये जुड़ के इतना बना होगा, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, ये -110 आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी कि 110 इसमें से हटाओ आप, 8 8 3 1, 1388 आपका कॉस्ट प्राइस है। अब उसने बोला इसमें से अगर हमें गेन चाहिए 25% का, यानी कि 1/4 इंक्रीज करना है, यानी 5/4 की वैल्यू आप बता दो उसको, या फिर 1388 में से उसका 1388 का 1/4 बता दो, बात तो एक ही है। इसको कर लेते हैं, 4 3 12, 12 4 4 16 और 7 3 47 जोड़ दो इसमें, 8 8 7 7 14, 1 15, 15 किस किस में है, 3 में यूनिट डिजिट 15 है, 1 हासिल, 4 2 बार 13, 35 किस में, 2 में है, तो ये एक ही होगा, क्योंकि 1300 में से कुछ जोड़ रहे हैं तो होगा। आई होप, आई विश ये आपको समझना है हो, क्योंकि मुझे ये दोबारा समझाना है, मुझे पता नहीं आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम लगता है। अब देखो उसने क्या बोला है, देखो ऑन सेलिंग अप पेंट, ऑन सेलिंग हमने अगर उसको 1498 रुपीज में बेचा, तो जो गेन हुआ यानी कोई कॉस्ट प्राइस है, जो जो हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट वो 25%, 25 क्या होता है, 1/4 ज्यादा है लॉस से। लॉस यानी अभी बताते हैं, लॉस अगर हमने जो 1300 पे बेचा, तो 1300 पे बेचा तो हमें लॉस हुआ कुछ, ठीक है, और उस पे हम कितना लॉस हुआ देखते हैं अभी। अब द गेन इज 25% मोर देन द लॉस, तो अगर लॉस 4 यूनिट है तो गेन उसका 25% मोर है, यानी अगर 4 है तो उसका 1 ज्यादा, यानी 5 यूनिट है। ये समझ आ गई ना, तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है, 9 यूनिट, 9 समझ आ गया होगा, ये डिफरेंस ऐसे लेते हैं 5 और डिफरेंस -4, तो 9 यूनिट, समझ गए ना। और यहाँ क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है रुपए का, 198, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 22 रुपए। अब देखो ये कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद एक की वैल्यू 22 है, यानी 5 की वैल्यू 5 × 22 यानी 110, यानी ये 110 रुपए जुड़ा होगा, तब जाके इतने आए होंगे हम पे 1498 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस अगर हमें चाहिए तो इसमें से 110 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1388। ठीक है, अब हमें 1388 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें बताने कि अगर हम उसको 25% ज्यादा पे बेच दे, 1380 में से 1380 को 25% प्रॉफिट पे बेच दे, 25% 1/4 होता है, ठीक, उस पे बेच दे, तो कितने रुपए का बचेगा, बस इसका आपने 25% निकाला तो जो भी आया था उसमें जोड़ दिया, तो ये आंसर आ गया था। आई होप कि आप समझ आ गए होंगे, मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ, और काश मैं भी आपके जितना इंटेलिजेंट होता। इंटेलिजेंट नहीं हूँ भाई मैं, बस मैथ में ही ठीक हूँ, बाकी समय गुड सेशन भाई, कीप गोइंग, हेल्प अस, ओके, इनिशियल फ्रॉम आंध्र प्रदेश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। देखो समझ आ रहा है, नहीं आ रहा आपको, यूज दिख रहा है, देखो आपको फायदा मिल रहा है क्लास का, हाँ या ना। देखो मैंने 2 3 बार समझा दिया, अगर आप इसको पॉज करके वीडियो दोबारा देखो तो और बेटर समझ आ जाएगा, प्लस मैं ट्राई करूंगा ऐसे क्वेश्चन और लाने के, ठीक है, समझ रहे इस कंसेप्ट को, और हम कल करेंगे। देखो आज हमने करा है 27 जुलाई, देखो आज 1.5 घंटे के करीब थोड़ा सा लग गया हमारा, 27 जुलाई करा है ना, तो कल हम करेंगे 26 जुलाई का शिफ्ट 3, तो 20 करेंगे CGL 23 के क्वेश्चन वो सेट, 20 करेंगे 22 के सेट, और 20 करेंगे CGL 21 के सेट, ताकि 60 हो जाएंगे। आप 60 से प्लस ही कराऊंगा मैं, 60 तो कराऊंगा,
ठीक है, तब तक देखते हैं, 7 दिन का टारगेट लेते हैं। बीच में 1-2 दिन मिस हो सकती है क्लास, भाई जॉब ऐसी है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो बस मतलब मैं बता दूंगा इंस्टा पे। बट आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा पहले तो ये बता दो, क्योंकि समझ ना आए तो भाई वेस्ट ऑफ टाइम आपका भी है, मैं तो वेला आदमी। ठीक है बता दो, समझ गया, मजा आ गया, ओके आई, ठीक है, थैंक यू। लास्ट वाला दोबारा, लास्ट वाला 2 बार बता दिया भाई, अर्पित भाई ये मेरा दोस्त है ऐसे कमेंट कर रहे हैं, बट ठीक है, लास्ट वाला एक और बार देख सकते हैं। वैसे देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो उसने क्या बोला, ओन सेलिंग अ पेंट पेंटिंग एट 1498 रुपीज, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस पे अगर हमने इतने का बेचा तो हमें कोई द गेन इज 25% मोर देन द लॉस। अगर वो हम 1300 रुपए की बेचते तो जो लॉस होता ना, या प्रॉफिट हो, जो लॉस होता वो जो गेन इज 25% मोर देन द लॉस, यानी जो प्रॉफिट हुआ है वो 1/4 ज्यादा है, यानी अगर वो लॉस 4 है तो वो 1 यूनिट ज्यादा है प्रॉफिट हमारा, समझ आ गई बात, 25% मोर देन द लॉस परसेंटेज में, ठीक है। तो हमारे यहाँ डिफरेंस 9 का है, यहाँ प्राइस में डिफरेंस 198 के, 198 का है, तो 1 की वैल्यू 22 आ गई। अब देखो 1 की वैल्यू 22 है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी, 5 × 22 यानी कि 110। अब देखो कॉस्ट प्राइस में आपने 110 रुपये जोड़े तो इतने रुपये बने, यानी अगर आप 110 माइनस कर देते तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाता जो कि आता 1388। अब 1388 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। उसने बोला है कि अगर हम इसको 25% प्रॉफिट पे बेचें, यानी कि इसको 5/4 पे बेचें, या फिर 1388 में से 1388 का 1/4 निकाल दो और जोड़ दो, तो एक ही बात है, ये एक ही बात है, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, उसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। मैं सोल्व कर चुका हूँ, क्लास खत्म करते हैं, अब मेरा गला हो गया खराब, मुझे कल ऑफिस जाना है, ठीक है। कमेंट में समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, नाइस क्लास, थैंक यू, समझ गया, ओके, चलो भाई मिलते हैं कल की क्लास में, हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय।